हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सुमन किचन में आपका। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा और मटर से ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे और क्या क्या चाहिए इसे बनाने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है 2 कटोरी पोहा, और ये मोटा वाला पोहा है। इसे हम अच्छा से धो लेंगे पानी डाल करके। आप देख सकते हैं इस तरीके से पानी फुल कर देना है। उसके बाद से हम एक चम्मच की मदद से इसे चलाते हुए अच्छा से वॉश कर लेंगे और एक छन्नी में इसे छान लेंगे इसके पानी को, और रख देंगे 5 मिनट के लिए। इधर गैस ऑन करके हमने एक पैन रख दिया है, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं 2 चम्मच ऑयल, और इसे गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा, और बारीक कटी हुई हरी मिर्च और कड़ी लिप्स, और बारीक कटा हुआ प्याज हमने लिया है। तो इसमें मिर्च ऐड कर दे रहे हैं और कड़ी लिप्स, ये स्टोर किया हुआ कड़ी लिप्स है, आप चाहे तो यहाँ पे ताज़ी कड़ी लिप्स ले सकते हैं। और इसमें हमने ऐड कर दिया है एक बारीक कटा हुआ प्याज, और इसे हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये प्याज यहाँ पे सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया है, और इस यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है प्याज। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 1 कटोरी ये ताज़ा मटर, और इसे आधे मिनट तक हम इस तरीके से चलाते हुए फ्राई करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे, ये भी 1/2 स्पून हम कर रहे हैं, और यहाँ पे जीरा और काली मिर्च पाउडर हमने 1/2 स्पून डाला है। तो इसे हमने 1 से 1.5 मिनट तक, आप देख सकते हैं, हमने भून लिया है। उसके बाद से इसे कवर करके हम 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पे चलिए चेक कर लेते हैं, 4 मिनट हो चुका है और यहाँ पे बिल्कुल मटर कुक हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे पोहा, और ये देखिए धो के रखने के बाद पोहा कितना खिला खिला हो गया है। तो इस तरीके से हमें 5 मिनट तक इसे रखना है पोहा को, ताकि अच्छा से इसका पानी हट जाए और ये बिल्कुल खिला खिला सा हो जाए। तो इसे इस तरीके से चलाते हुए पोहे को हम इसमें अच्छा से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम 1 से 1.5 मिनट तक इसे पकाएंगे इन मसालों के अंदर और मटर के अंदर। तो आप देख सकते हैं इसे इस तरीके से चलाते हुए हमने मिक्स कर लिया है, और 2 मिनट तक हमने अच्छा से पका लिया है। तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं पिसी हुई चीनी, इस तरीके से 1/2 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा काला नमक हम इसमें टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और इसमें 1/2 नींबू हम निचोड़ देंगे, आप देख सकते हैं, और इसे अच्छा से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये बिल्कुल बन के झटपट ब्रेकफास्ट रेसिपी तैयार है। आप टी टाइम पे भी इसे बना सकते हैं, आपको कभी भी हल्का फुल्का भूख लगे तो इसे बनाकर आप खा सकते हैं। तो चलिए इसे सर्व कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितना जल्दी और कितना आसानी से बन गया। आप यहाँ पे चाहें तो बारीक कटा हुआ प्याज से गार्निश कर सकते हैं। हम यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा डाल रहे हैं, और यहाँ पे अपने पसंद के हिसाब से कोई से नमकीन भी आप डाल सकते हैं। ये देख सकते हैं हम बारीक नमकीन से इसे गार्निश कर रहे हैं। आप यहाँ पे अपने पसंद के हिसाब से प्याज या कोई सा नमकीन आप डाल सकते हैं। तो ये चलिए खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप भी बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। यदि ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर भी करें। थैंक यू।